बैसाखी के पावन पर्व के दिन सिखों के नए वर्ष की शुरुआत होती है। इस पर्व को देश भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बैसाखी का पर्व इस साल शनिवार 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यह पर्व पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से मनाया जाता है। बैसाखी बैसाख माह से बना है। यह पर्व किसान फसल काटने के बाद नए साल की खुशियों के रूप में मनाते हैं। अप्रैल महीने में हरियाणा और पंजाब में फसलों की कटाई शुरू हो जाती है। इसी के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। किसानों के लिए यह पर्व एक उम्मीद और उमंग लेकर आता है। इस पर्व का कृषि से जुड़े होने के कारण विशेष महत्व है, क्योंकि इसके त्योहार के बाद ही गेहूं की फसल की कटाई शुरू होती है। आपको बता दें, कहा जाता है कि किसान इस त्योहार के बाद ही गेहूं की फसल की कटाई शुरू करते हैं, लेकिन कुछ जानकारों की माने तो 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। स्थापना करने के कारण इस दिन इस त्योहार को सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, बैसाखी के पावन पर्व के दिन सिखों के नए वर्ष की शुरुआत होती है। इस पर्व को देश भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। केरल में इस त्योहार को विशु के नाम से जानते हैं, तो बंगाल में इसे नववर्ष कहते हैं, तमिल में पुंथड़ू और बिहार में इसे वैशाख, तो वहीं असम में रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।